ये कहानी है एक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में एक मेले में जाता। वो बहुत खुश था वहाँ की मिठाइयों और खिलौनों को देख के, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ना ही कोई खिलौने दिलाते हैं और ना ही कोई मिठाई। जैसे ही वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ भी लेवाने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश करता है, उसके पेरेंट्स साफ साफ इनकार कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपका किसी चीज को लेने का बहुत ज्यादा मन हो लेकिन आपके पेरेंट्स दिला ही नहीं रहे हो। अच्छा चलो चैप्टर शुरू करते हैं। ये मौसम था बसंत ऋतु का और एकदम हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अब धीरे धीरे सब इधर उधर घूमने जा रहे थे इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने। कुछ लोग अपने नाना नानी के घर जा रहे थे तो कुछ हमारे जैसे मेले में घूमने जा रहे थे। जहाँ कुछ लोग पैदल चल के जा रहे थे तो कुछ लोग घोड़े और वहीं कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे। वहीं एक छोटे से बच्चे को उसके पेरेंट्स बुला रहे थे क्योंकि वो वहाँ स्टॉल्स में लगे टॉयज को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता था और वहीं रुक जाता था। वो अपने पापा मम्मी से कहता था, पापा पापा मुझे वो खिलौने दिला दो ना प्लीज, उसे की दिला दो ना। लेकिन उसके पापा उसे गुस्से भरी एकदम लाल लाल आंखों से देखते हैं, पर उसकी मॉम उस बच्चे के हाथ की एक उंगली पकड़ के कहती है, बेटा वो देखो वहां तुम्हारे सामने क्या है। वहां सामने बेहद खूबसूरत सरसों के पेड़ थे जहां सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी दूर दूर तक गोल्ड बिखेर दिया हो। और अब वो बच्चा एक बार फिर खुशी से दौड़ पड़ता है उन तितलियों को पकड़ने। तभी उसकी मॉम ने आवाज दिया और कहा, अरे आगे मत जाओ, आओ आओ हमारे साथ आओ। और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गया, पर कुछ ही पलों में वो अपने पेरेंट्स से फिर पीछे छूट गया। और इस बार वो अट्रैक्ट हुआ था छोटे छोटे इंसेक्ट से जो अपने घर से बाहर आकर धूप का आनंद ले रहे थे। और एक बार फिर उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं, अरे अब तुम पीछे छूट गए, चलो जल्दी आओ यहाँ। उसके पापा कहते हैं, हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास एक पल के लिए आता है और फिर अगले ही पल उन सोने जैसे दिखने वाले सरसों के खेत में छोटी छोटी कलियों को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो बच्चा बनियान ट्री की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं और कहते हैं, वहां मत जाओ इधर आओ। और एक बार फिर वो चल पड़ते हैं मेले की ओर। पर इस बार जैसे ही वो विलेज के अंदर एंटर कर रहा था, तभी एक तरफ तो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था उस मेले की भीड़ को देखकर, लेकिन वो उस मेले में खिलौनों और मिठाई को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहा था। मेले की शुरुआत में ही एक हलवाई चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। और उस बच्चे के मुंह में बर्फियों को देख के पानी आ गया, जैसे अभी आपके मुंह में आ रहा है। उस बच्चे को बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी, पर इस बार वो अपने पेरेंट्स को बर्फी दिलाने को नहीं कहता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कहा तो उसके पेरेंट्स साफ साफ मना कर देंगे। और वो किसी तरह अपने मन को मार के आगे बढ़ जाता है। आगे चलते ही उस बच्चे को एक फ्लावर स्टॉल दिखता है। उस बच्चे का दिल कह रहा था, यार ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, मुझे इन्हें लेना है। पर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये फ्लावर्स नहीं दिलाएंगे, वो कहेंगे ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। और इस बार फिर वो बच्चा अपने मन को मार के आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही उसे एक बलून बेचने वाला दिखता है। उसे वो रंग बिरंगे बलून्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, पर उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से उस बलून्स की डिमांड किया तो वो कहेंगे, तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि इन बलून से खेलो। और एक बार फिर वो बच्चा अपने दिल को किसी तरह मना कर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही उसे एक सपेरा दिखता है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसी चीजों से दूर ही रहने को कहा था। और फिर वो बच्चा अपने दिल को बहुत मुश्किल से मनाता है और आगे बढ़ जाता है। पर इस बार उसे जो आगे दिखता है उसे देखकर उसका मन उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। वो एक राउंड स्विंग था। कुछ लोग उस झूले में बैठकर चिल्ला रहे थे और वहीं कुछ सनसनाहट की आवाज के साथ हंस रहे थे। और इस बार वो अपने पेरेंट्स को बोल ही देता है, मम्मी पापा प्लीज प्लीज मुझे झूले में सवारी करवा दो प्लीज। पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। और जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां है ही नहीं। और अब वो समझ चुका था कि वो इस मेले में भटक चुका है। अब उसकी आंखों में डर एकदम साफ साफ दिख रहा था। पर इससे पहले कि उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू गिरे, वो बच्चा आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह जाके देखता है कि आखिर उसके पेरेंट्स गए तो गए कहां। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, मम्मी पापा, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। और अब उसकी आंखें नम हो आई थीं और उसके कपड़े मिट्टी से एकदम गंदे हो गए थे। पर इस जगह पर हार मान के रोने से तो काम होने नहीं वाला था। और वो बच्चा रोते हुए चिल्लाता है, मम्मी पापा, और दौड़ पड़ता है मंदिर की तरफ जहां सारी भीड़ जा रही थी। पर उस भीड़ में हर एक इंच में लोग थे। वो बच्चा उनके पैरों के बीच से निकल के किसी तरह आगे जाने की कोशिश कर रहा था और जोरों से चिल्ला रहा था, मम्मी पापा आप हो कहां। और तभी एक आदमी उस भीड़ से उसके रोने की आवाज सुनता है और उसे अपनी गोद में उठाकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो।
और वो बच्चा और तेज से रोने लगता है और कहता है मुझे मम्मी पापा चाहिए। वो आदमी उसे चुप करवाने के लिए कहता है देखो हम उस बड़े से झूले में पहुंचने वाले हैं, क्या तुम इसमें झूलना चाहोगे? पर वो बच्चा और तेजी से चिल्लाता है मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आदमी उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले जाता है और बोलता है देखो ये कितनी सुरीली आवाज है। लेकिन अब उसे वो स्नेक चार्मर की आवाज सुरीली नहीं लग रही थी और वो कहता है मैंने कहा ना मुझे मम्मी पापा चाहिए। अब वो आदमी उस बच्चे को चुप कराने के लिए बलून्स दिलाने को कहता है, उसे फ्लावर्स दिलाने को कहता है, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट बर्फी भी दिलाने को कहता है। पर अब उस बच्चे को उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, अब उसे केवल उसके मम्मी पापा चाहिए थे। तो बस यहीं पे खत्म होता है ये छोटा सा चैप्टर। बेशक इस चैप्टर की एंडिंग बहुत ज्यादा सैड है, पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आप किसी मेले में खो जाओ तो आप क्या करोगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।